नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके। दोस्तों आप सभी को मालूम है, जैसा कि 19 जून को एमपीपीएससी के बारे में स्वयं मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा विगत दिनों लगभग एक दिन पहले नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आप सभी के जो प्रवेश पत्र हैं वह 10 जून को आ जाएंगे। परंतु जैसे ही इस तरीके की न्यूज़ जो निकल कर आई है, इसके बाद में पेपर को आगे बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं इस तरीके की मांग का कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा उद्देश्य केवल आपको पूरी न्यूज़ उपलब्ध कराना। तो जी हाँ दोस्तों, अभी इस न्यूज़ इसको शुरू करने के पहले इतना ज़रूर कहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी 19 जून को ही मान कर करिए, क्योंकि एक जो नोटिफिकेशन है, एक लेटर है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण सूचना, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका लेटर यह बताया जा रहा है, और उसमें मांग की जा रही है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसे आगे बढ़ाया जाए। राज्यपाल को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, तो क्या है कुछ है इसमें, सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आपके सामने यह जो लेटर है आप देख सकते हैं, ये आप लेटर देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय, मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग, रेसिडेंसी एरिया इंदौर। इसमें कहा गया है, विषय रखा गया है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के संबंध में शुद्धि पत्र जो कि निकाला गया था, मैंने आपको बताया था। इसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त विषयांकात लेख है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन 19 जून 2022 को होना है। चूंकि वर्तमान समय मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, प्रथम चरण का चुनाव 25 जून से है। बहुत सारे जिले में प्रथम चरण में ही चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे। आदर्श आचार संहिता में शासकीय कर्मचारियों को अवकाश मिलना कठिन है व निर्वाचन प्रक्रिया में शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी कई महत्वपूर्ण कार्यों में लगी है। 19 जून को भी बहुत सारे शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी विभिन्न निर्वाचन कार्यों में रहेगी, जिससे वो सब प्रारंभिक परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को निर्वाचन के बाद कराने की कृपा करें, जिससे सभी शासकीय कर्मचारी प्रारंभिक परीक्षा में भाग ले सकें व उन सभी की एक साल खराब ना हो। यहां पर जो अभ्यर्थी का नाम छिपा दिया गया है, यह पूरा का पूरा वायरल हो रहा है नोटिफिकेशन। इसकी प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजी गई है, शिवराज सिंह चौहान को भेजी गई है, और सचिव मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर को यह भेजी गई है। तो यह पूरा का पूरा लेटर है जो कि वायरल हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। परंतु दोबारा से मैं कहूंगा, अभी एमपीपीएससी के द्वारा जो एक दिन पहले जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह कब जारी कर दिया जाएगा, 10 जून को जारी कर दिया जाएगा। और इस लेटर के बारे में क्या है कुछ नहीं, इसके बारे में आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने स्तर पर इसकी जांच करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए क्या है जो वायरल हो रहा है, यह सही है या गलत है, क्या इस तरीके का कोई कार्यक्रम है। इसके अलावा इतनी जानकारी मुझे जरूर है, कुछ न्यूज़पेपर में मैंने देखा है कि कुछ जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फॉर्म फिल किए हैं, उनके द्वारा भी कुछ जो पीआई हेल है, कुछ अपील की जा रही है हाईकोर्ट में कि इस पेपर को आगे बढ़ाया जाए। तो आप सभी से इतना ही कहूंगा कि अभी 19 जून को ही मान के अपनी तैयारी करिए। और मैं बिल्कुल भी क्लियर कर देना चाहूंगा, ना मैं पेपर को आगे बढ़ाने के पक्ष में हूं, ना पेपर को। आप दोस्तों यकीन मानिए, मेरा इससे कुछ भी न्यूट्रल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को न्यूज़ देना है। तो पेपर को अभी 19 जून ही मान के चलिए, इसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको बता दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लेटर के बारे में जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी साझा करिए कि यह लेटर सही है या क्या है, फेक है। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्सों ने मुझे भेजा, जिस कारण से मैंने इस पर यह वीडियो बनाई। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद केके।